आज अमरोहा में चुनाव के दिन आने वाले हैं। नगर पालिका परिषद अमरोहा का चुनाव आने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। अब तो मजाक बनने लगा है कि 45 हो गए भाई, 50 हो गए, 51 हो गए, लेकिन राजनीति जो है वो क्रिएटिविटी का नाम है। भारत का निर्माण एक ही बहुत सुनते में आई है, पढ़ी भी है, भारत का निर्माण। तो निर्माण करने वाले लोग निर्णायक होने चाहिए और निर्णायक वो लोग होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है। ऐसी आज अमरोहा में बहुत सारे पोस्टर देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है ये साहब जो है नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के लिए आ रहे हैं, ये साहब हमारे वार्ड के मेंबर के लिए आ रहे हैं, ये वार्ड साहब हमारे विधायक के लिए आ रहे हैं, ये साहब हमारे विधायक के कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं। इन्हीं पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर देखा डॉक्टर अमीनुल हक साहब का, जिसे देख के लगा कि कुछ क्रिएटिविटी है। मैंने अपनी लाइफ में इतने साल में जब से मैं वोटर हूँ और उससे पहले से जब मैं वोटर नहीं था, आज तक मैंने कभी इस तरह की क्रिएटिविटी नहीं देखी। ये क्रिएटिविटी मुझे डॉक्टर अमीन के पोस्टर में नजर आई। इससे लगता है कि ऐसे लोग अगर निर्माण करने के लिए चलेंगे, निर्णायक भूमिका में आएंगे, तो ऐसी निर्णायक सोच रखने वाले लोग वाकई में भारत का निर्माण कर सकते हैं, अपने शहर का निर्माण कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। और नया करने वाले ही लोग राजनीतिक होते हैं, उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जो परंपराओं से ऊपर उठकर कुछ नया कर सके। ताकि जाति धर्म और इसके चुनाव हमने बहुत देख लिए, बहुत सुन लिए, ये बात और ये बात और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे उनकी सोच और उनके लफ्जों में फर्क होता है। जमीनी स्तर की बात जो करते हैं जो ज्ञान के साथ करते हैं, और ज्ञान के साथ करने वाले लोग इस 45-50 पोस्टरों में मुझे एक दो ही नजर आते हैं। और बीइंग वोटर हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी हो, जो कुछ कर सके, कुछ नया कर सके। नगर पालिका सिर्फ सड़कों की और गलियों की और नालियों की बन के रह गई है। नगर पालिका में क्या क्या हो सकता है इस पोस्टर को देख के पता चलता है कि नगर पालिका हेल्थ सेक्टर में भी काम कर सकती है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर सकती है, और बल्कि सौंदर्यकरण, इलेक्ट्रिक सिटी, बहुत सारे काम नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं जिसमें नगर पालिका द्वारा बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। ये सब चीजें नगर पालिका के चेयरमैन से हमें जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कर सकते हैं, और आने वाले चेयरमैन से हमें उम्मीदें हैं। इस पोस्टर को देखकर ये लगता है कि अगर अमरोहा में ऐसे लोग चुनकर आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव अमरोहा में आएगा।